फाइनली गाइस हमारी मैगी बन चुकी है, हो गया है ऊपर टॉप मॉडल और मस्टैंग जीटी 1 2 3। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, दिस इज मी दक्ष राज चौहान एंड यू आर वाचिंग यूके 16 से दक्षु। तो गाइस आज का सीन ये है, आज हम जा रहे हैं मैगी बनाने और ट्रैकिंग करने, और फिलहाल हम आपको दिखाते हैं अपनी सुपर कार जो है सबसे पहले वेन्यू टॉप मॉडल और मस्टैंग जीटी ये। और अब हम HR26 आर्मी गाड़ी खुली, अभी ये थोड़ा लुक इसमें भी मस्टैंग वाला बनाने को है, काम चलेगा धीरे धीरे बनेगा। और फिलहाल हमारे साथ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्रुवराज चौहान और तुषार सिंह पंवार, पारस पंवार और अविरल सिंह रावत एंड सूर्यवंशी ऑल्सो और अजय पवार। क्या फिर एक बार फिर मैं ओके पीछे ओके ना मैं ओके पीछे ओके पीछे ओके पीछे कौन किसके पीछे किसके पीछे इधर तो देखो, हेलो स्माइल तो दे दो अपनी, स्माइल दे दो हमारी ऑडियंस के। आड़म आए था मैं तुषार सिंह पंवार, डायलॉग तो बोल दो अपना यार। मैं तुषार सिंह पंवार, हमारी जनता आपका वो डायलॉग सुनना चाहती है। मैं बहुत ही प्रचलित जगह से बिलोंग करता हूँ। और प्रचलित जगह कहाँ है? जो कि पावर की राजधानी है पूरा गाँव। लवली लवली, वेरी वेरी लवली। पंवार हैं, राज करना हमारी पुरानी आदत है। और आप पर हो एक बात बताओ, आप इतने हैंडसम हो और आपसे किसी को अगर कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे कर नहीं, सकते? देखो हैंडसम बेशक हूँ पर घमंड नहीं है इस चीज का। घमंड तो अभी तो मैं कह रहा हूँ, अब जैसे आप डेस्टिनेशन में, जो कि काफ़ी सेफ है क्योंकि यहाँ ज़्यादा पानी भी नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है पहले ही। और हम साइड से अब ऊपर की ओर निकल रहे हैं, मैगी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने सब ले लिए, हमारा प्लान है। अब आप अपना प्लान बनाते हैं, हमारा ऊपर जाके प्लान है मैगी बनाने का और खाने का और घर जाने का, और आपको आगे जाके अपडेट देते रहे। चलिए गाइस हम लोकेशन में पहुँच चुके हैं, तो अब क्या आप रेडी है लोकेशन देखने को? 1 2 3। और गाइस इतनी अच्छी जगह है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं इतनी अच्छी जगह है, लेकिन ये देखिए ये बहुत गलत चीज़ है। क्यों पारस भाई, इतनी अच्छी लोकेशन है और ये गलत चीज़ है? ये पॉलिथीन फेंकी हुई है यहाँ पर, ये भी फेंका हुआ है, हम भी लाए हुए हैं अपने साथ ये सब चीज़, बट हम अपने साथ कैरी बैग लेके आए हुए हैं जिसमें कि हम ये सारा कूड़ा अपना डाल देंगे और जितना भी होगा वहाँ हम डाल देंगे। जितनी भी यहाँ पे गंदगी है जो हम पहले लाए हैं, पॉलीथीन का बेस्ट यूज है। जब भी आप किसी शॉप से सामान लेते हो एक पॉलीथीन आपको मिलती है, जितना खाते हो वो पॉलीथीन फेंक नहीं सोचती है, वो सारा कचरा उसमें डाल के पॉलीथीन समेत कूड़े में फेंक दिया करो। हम ये देखो कचरा ये सारा साफ कर देंगे, खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि अब कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आ तो जाते हैं लेकिन गंदगी कचरा करके चले जाते हैं। प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, इतनी अच्छी जगह और ऐसे गंदा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मतलब हम लोग इंजॉय तो करने आते हैं, सही बात है इंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन हमें साथ ही साथ ये जो गंदगी है इसको भी ठीक करना चाहिए। और हमारे तुषार भाई कुछ कर रहे हैं, जरा हम उनको देख ले क्या कर रहे हैं। वाओ लवली, ये तो इन्होंने मस्ती कर दी। तो गाइस फाइनली हमारा कूलर रेडी हो चुका है, यहाँ पे बेसिकली लकड़ी लग चुकी है और अभी यहाँ ऐसा लगेगा, अबे ऐसे लगेगा ये थोड़ा ऐसे में जाएगा। और ये कुछ मैगी है जो कि इसमें जाने वाली है, और हम आज वेजिटेबल मैगी बनाएंगे, तो अब आप देखिए हम कैसे बनाते हैं। हमारा हो गया है पोपट, हम वो ऊपर से पहले लाए नीचे क्योंकि हम प्याज और प्लेट्स भूल गए थे,
और फिलहाल पूरा जो फ्रेट ढूंढते हैं गाड़ी खोल। ओ सेंटर लॉक है गाइस हमारी मस्टैंग में। और ये रहे हमारे प्याज टमाटर और जो हम भूल गए थे यहीं से हो जाइए लॉक। ओ हो गए, थोड़ा हैवी प्रेस मांगती है ये गाड़ी। बाकी अब चलते हैं ऊपर और बहुत बुरा लगा उतनी दूर से पैदल आना पड़ा हमें नीचे, लेकिन आपको मिलते हैं बाय। बहुत अच्छा व्यू है, मजा आ रहा है, मैगी भी बन रही है, प्याज कट रहा है। लेकिन एक मिनट, ये उधर कौन बैठा है? हेलो हेलो मिस्टर, क्या कर रहे हो उधर? वाओ मेहनत तो देखो इनकी भाई की, चुपचाप से मस्त व्यू के नज़ारे और कुरकुरे तुरतुरे। बहुत गलत बात है, दुनिया आपको ये खा रहे हैं, ये अकेले अकेले। वेरी रॉन्ग थिंग तुषार ब्रो, वेरी रॉन्ग थिंग, चुपचाप से अकेले अकेले खा रहे हैं। गाइस हमारा प्याज वगैरह कट चुका है और अब मैगी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। प्याज डल चुका है, शेफ है हमारे साथ ध्रुवराज चौहान, और ये तीनों देखो यहाँ खड़े हो रखे आराम से खा रहे कुरकुरे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ओ ओ तेल पकड़ूंगा, थोड़ा काम करूंगा है। तो ये हमारे पास, अब दिखाते हैं हम आपको वेजिटेबल मैगी बनाने के सबसे घरेलू अनुस्के जिसमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। गाइस हमारे क्या बोलते हैं प्याज और टमाटर तेल में तल रहे हैं बेचारे, ये मसाले भूनी नहीं रहे क्योंकि आग थोड़ी धीमी आंच पर है, ज्यादा तेज नहीं है। और ये देखो बेचारे मैगी के लिए कैसे लगे हुए हैं समय काटने। और शेफ साहब, और करछी लाना भूल गए हम, तो चाकू से ही काम चलाना पड़ रहा है। और इस आदमी को बोला था कि नमक लेके आना, बंदा डैशबोर्ड में रख दिया के नमक, और जब हम दोबारा भी गए थे फिर भी नहीं याद कि भाई नमक भी ले आना, कुछ नहीं। और यहाँ का व्यू तो खैर यार, हमारे ब्लॉग में व्यू कैसे नहीं होंगे, क्यों अजू भाई हर जगह हमारे ब्लॉग में व्यू और खुरापाती तो दिखती रहती है। ये देखो बांदर है, बांदर ओ बांदर, कल बली है। और ये कुछ बहुत ही तड़कता भड़कता करना चाह रहा है ये, और देखते हैं ये आदमी क्या करता है। ये हमारी मैगी कुछ निखर रही है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो मतलब ये पकनी शुरू हो चुकी है। और पक गई। आज हम देखते हैं कि बिना नमक के सिर्फ मैगी मसाला और क्या बोलते हैं वो जो दूसरा मैगी मसाला आता है एक्स्ट्रा 5 रुपए वाला, उससे कुछ फर्क पड़ता है अगर मतलब नमक ना हो तो उनके बिना कुछ टेस्ट आता है, और आपको बताते हैं क्योंकि नमक ये भूल गया यार, अब बार बार नीचे जाना ठीक नहीं है। फाइनली गाइस हमारी मैगी बन चुकी है, एकदम दिख तो बड़ी प्यारी और लजीज रही है। और हाँ गाइस, जब भी आप कभी ऐसे अगर ट्रैकिंग पे जाते हो कहीं, तब से मैंने आपने आग जलाई है तो उसे बुझा भी जरूर देना, क्योंकि ये हरा भरा इलाका है, यहाँ पे कभी भी आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैगी निकालते हैं, मैगी कौन निकाल रहा है? अजू भाई मैगी निकालते हैं जरा। और ये हम देसी जुगाड़, हमने इसके वो बना दिया है पहाड़ी जुगाड़। अभी जैसे आप शादी वगैरह में जाते हो ना पहाड़ में, तो सब प्लेट से चावल देते हैं। तो गाइस मैगी बनी है एक नंबर, नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक एक्स्ट्रा मैगी मसाले का पैकेट ले आना, बाकी नमक की कोई दिक्कत नहीं। और पानी थोड़ा कम डालना, हमें तो स्वाद मैगी बनी है स्वाद। और हमारे साथ और ये है माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीते हैं। तो गाइस अब इनको खाते हैं और फिर यहाँ पे जितना भी कूड़ा फैला है वो निकल, वो सब कुछ एक थैले में डाल के अपने साथ लेके चलते हैं और तस्वीर में फेंक देंगे। के लिए हमने जितना यहाँ पर टाइम बोला था वो हमने दिया है अपने साथ के लिए, और अब यहाँ से निकलते हैं और आगे निकालते हैं।
प्लीज आगे से अगर आप भी कभी ऐसी जगह पे आते हो, ये फैमिली होती है या आप उसके साथ जाते हो, इतने सारा कूड़ा लेके भी आते हो पूरा एक ही साथ, उसके बाद जब इसी में डालो और अपने साथ ऑफिस ले चलो, हमने तो अपना कूड़ा भी पैक कर लिया है और जो यहाँ पहले से दारू वगैरह की बॉटल इधर पड़ी हुई थी वो भी हमने सब उठा लिए है। तो प्लीज़ आप सभी से गुजारिश है मत करना ऐसा, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं अब, पर फिर भी कुछ होते हैं प्राणी ऐसे जो कर देते हैं। और पहाड़ी रास्ते खतरनाक होते हैं तो थोड़ा सेफ चलना पड़ता है। गाइस पहुंच चुके हैं वापस रोड में, ये रही हमारी मस्टैंग जीटी जिसमें हम आए हैं और ये रोड है। चोरी कर रहे हो? चोरी क्यों कर रहे हो? फाइनली गाइस हम वापस घर पहुंच चुके हैं और आज का दिन काफ़ी अच्छा था, हमने काफ़ी इन्जॉय करा। तो प्लीज़ 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 अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और एम करते हैं 200 लाइक्स का। लाइक कर दो, सब्सक्राइब दबा दो और एम करते हैं 600 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। बाकी आपको चोलो चिप चैलेंज भी आने वाला है क्योंकि वो ऑर्डर कर दिया है, तो हमने सोचा काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं डाला, एक ब्लॉग डाल देते हैं। बाकी आपको मिलते हैं सीधा आपका चोलो चिप चैलेंज पे। बाय।